हाय दोस्तों, ऑफर का पिटारा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज पिटारा किसी भी ऐप से नहीं खुला है, किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं खुला है, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। दोस्तों अगर आप MPL ऐप यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अगर आप अपना फ़ायदा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप पेटीएम कैश कमाना चाहते हैं तो मैं पेटीएम कैश कमाने वाली ऐप का लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आपको 50 रुपीज़ साइन अप बोनस मिल जाएगा और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा पेटीएम कैश कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने MPL ऐप के बारे में आपको बताया था, लेकिन आप रेफ़र करने में काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप MPL ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप काफ़ी दिनों से रेफ़र कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हैं, आप अपना कोड वगैरह डालते हैं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें वगैरह आई होंगी, लेकिन आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहली गलती की जो आप करते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं, आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको किसी ऐप के बारे में बताया या आपको किसी भी यूट्यूबर ने किसी ऐप के बारे में बताया कि आपको ऐसे ही रेफ़र करना है, आप डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छी बात आपने डाउनलोड कर ली, लेकिन आप यहाँ पर गलती क्या करते हैं, आप देखते नहीं हैं उस ऐप में ऑफ़र कौन सा है, आप एक बार भी नहीं पढ़ते हैं, आप सभी पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों मानता हूँ बिल्कुल सही बताते हैं, मैं भी सही बताता हूँ, सभी सही बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ऐप्स हैं ना आजकल, जो ऐप्स आ रही हैं जो रेफरल अर्न वाली, वो सभी को एक जैसा ऑफ़र वगैरह नहीं दे रही हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ MPL ऐप की, जैसे कि MPL ऐप पर जो मुझे ऑफ़र मिल रहा है, मुझे एक इनवाइट के अब 40 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन कल मुझे 25 रुपीज़ मिल रहे थे, लेकिन मेरे फ्रेंड को 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, लेकिन वो बोनस मिल रहा है, उसको विनिंग कैश नहीं मिल रहा है, मेरे को विनिंग कैश मिल रहा है। दोस्तों इससे होता है हमारा नुकसान, अगर हम किसी भी ऑफ़र को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो हमारे साथ काफ़ी बड़ा धोखा होगा। धोखा कैसे होगा कि हम रेफ़र करेंगे और हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है और हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो एक धोखा ही हुआ ना ये। तो आपको करना है, अगर आप किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी रेफ़र करने वाले हैं, तो आप सबसे पहले ऑफ़र को चेक कर रेफ़र जरूर कीजिए, क्योंकि MPL ऐप में ऑफ़र चेंज होता रहता है, कभी वो बोनस देने लगते हैं, कभी वो विनिंग कैश देने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मेरे फ्रेंड के साथ तो इससे बड़ा चांस हो चुका है। जैसे कि वो रेफ़र कर रहा था, वो काफ़ी सारे पैसा कमा रहा था, लेकिन अचानक से MPL ऐप ने क्या किया, MPL ऐप ने उसे बोनस कैश देना शुरू कर दिया। तो बोनस कैश तो जाएगा नहीं, वो करीब 20% 30% यूज़ होगा, तो क्या फ़ायदा। दोस्तों मैं बात करता हूँ दूसरी बात की, जिस बात का आपको मोस्टली ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप MPL ऐप में काफ़ी सारे रेफ़र कर रहे हैं, MPL ऐप सभी को एक जैसा ऑप्शन नहीं देता। दोस्तों जैसे कि मैंने काफ़ी सारे रेफ़र किए, पहले मैं विड्रॉ कर सकता था 25 रुपीज़ मिनिमम, लेकिन बाद में मैं 50 रुपीज़ कर सकता था, ऐसे मेरे ऑप्शन डाल दिया गया, लेकिन फिर मेरे डाल दिया गया कि आप 100 रुपीज़ रिडम कर सकते हैं, लेकिन अब फिर से बढ़ा दिया गया। और मेरा एक दोस्त है, उसका 25 रुपीज़ ही है, वो 25 रुपीज़ करेगा तो 25 रुपीज़ वो रिडम कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या बात हुई, MPL ऐप को एक ही रिडम ऑप्शन रखना चाहिए, MPL ऐप को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अगर आप इस ऐप पर रेफ़र कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप करने की सोच रहे हैं एक रेफ़र, आप सोचें कि एक रेफ़र करेंगे आपको पैसा सीधा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको करने पड़ सकते हैं ज़्यादा रेफ़र, तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।